कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबू। आज से ही तैयारी करो, अभी से करो और प्रति समय इस प्रकार की भावना करो। भगवान के पास तो प्रतिदिन इस प्रकार की भावना करो, हे भगवान मैं आपका नाम लेते हुए सब कुछ छोड़ करके और बस एक बार ऐसा समाधि वर्ण आपकी कृपा से चाहता हूँ। भगवान की कृपा से क्या क्या नहीं होता, एक बार इस प्रकार की निरंतर भावना करके तो देखो, संकल्पित तो होके देखो, ऐसा भी नियम लेके देखो। किसने लिया आज तक नियम बताओ, कोई हो तो। महाराज समाधि वर्ण का नियम जैसे पालन नहीं हो पाया तो, अरे भावना तो लेके जाओ। जैसे वह विद्याधर भावना लेकर के जाया गया, भली उसको मनुष्य जीवन से नहीं हो पाया, लेकिन एक बार अगर कर लिया इस प्रकार का पुरुषार्थ, आचार्य मन करके फैल भी हो गए। देखो आदिनाथ भगवान के जीव के बारे में आप लोगों ने उनके भवों के बारे में पढ़ा होगा, और उन्होंने जब महाबल की पर्याय में थे तब उन्होंने समाधि वर्ण किया, लेकिन सम्यक के साथ समाधि वर्ण नहीं हुआ था उनका, लेकिन समाधि वर्ण तो ऐसा किया जैसे मुनिराजों का हो रहा हो। आप पढ़ोगे आदि पुराण को तो आपको लगेगा कि ये महाराज कोई विशेष समाधि वर्ण कर रहे, लेकिन समाधि वर्ण के लिए पूरा पुरुषार्थ किया, सम्यक तो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे जा करके उनके लिए सम्यक की प्राप्ति हुई और उन्होंने समाधि मरण भी किया और तीर्थंकर भी बने। इन महापुरुषों के चरित्रों को आप पढ़िए, स्वाध्याय करिए। कहते हैं प्रथमान युग को पढ़े बिना हमारे अगर दूसरे अनियुग पढ़े जाते हैं तो वह स्थिर अपने आप को रख नहीं पाता, लेकिन जिन्होंने इस प्रथमान युग को पढ़ा है उनके सब आगे जाकर के स्थिरता उनमें पाई जाती है। नहीं तो यह सका कि बालू की जैसे दीवाल है, वह बालू की दीवाल एक दिन ढल जाएगी, ऐसे ही प्रथमान युग का स्वाध्याय किए बिना आप लोगों ने बहुत सारे स्वाध्याय कर लिए और व्रत आदि कर लिए, लेकिन अपने आप को स्थिर नहीं रख सकते। प्रथमान युग के माध्यम से हमारे अंदर विषम भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाते। इसलिए सबसे पहले कोई स्वाध्याय करो तो प्रथमान युग के ग्रंथों को लेकर के आप उनकी आराधना करो, ये पहला पाया। इसलिए प्रथमान युग इसका नाम क्यों दिया आचार्य भगवंतों ने, कि सबसे पहले इस अनियुग का स्वाध्याय करो, ये पहला है, आद्य है, और इसको छोड़ के क्रम से आप उल्लंघन करके इस प्रकार के करोगे तो फिर आप अपने आप को स्थिर नहीं रख पाओगे। बड़े बड़े स्वाध्यायशील हमारे पास आते हैं लेकिन पूछ जाते हैं ये व्रत कैसे होते, ये कैसे होते, ये कैसे होते, और फिर चले जाते हैं। वो फिर आते तो फिर दोबारा पूछने लग जाते, चार पांच बार आ गए। आचार्य जी ने सही कहा था कि ऐसे ग्राहकों को अपने पास नहीं बैठाया करें, जो दुकान पर आए ये सब चीजों के बारे में पूछ ले उठ के चले जाए, ये है तो आपके पास, ये है वो है वो है, ये सामग्री है वो सब, 10-15 मिनट आधा घंटे का समय ले गए और खरीदा कुछ नहीं। और ऐसे बार बार करके आपकी दुकान पर वह ग्राहक आए तो बताओ आप क्या करोगे, भगा दोगे? ऐसे ग्राहक आते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के प्रथमान युग का स्वाध्याय नहीं किया, अगर किया होता तो उन्हें चारों अनियुग का ज्ञान उसी से हो जाता, क्योंकि उसमें प्रथमान युग तो मुख्यता रहती है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने इस कला से उसमें रखा गया कि चारों अनियुगों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसमें भी हो जाता है। इस प्रकार से एक तो ये विधि हो गई, दूसरी विधि ये है कि काम के वशीभूत होकर यानी इच्छाओं के वशीभूत होकर के यह अपना कल्याण नहीं कर पाता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता, इसलिए अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देना है। जो जितनी इच्छाओं का परिमाण करता चला जाता है वह उतना ही सुखी होता चला जाता है। जिसके पास बहुत सारे वैभव है वो सुखी है क्या? दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा बस धनवान।
धनवान बहुत सारे लोग हैं, अभी भी तृष्णा उनकी बनी हुई है। यहाँ तक कि ऐसी तृष्णा रहती है कि धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक आयतनों पर भी उनकी तृष्णा बनी रहती, उसको भी नहीं छोड़ पाते। ये स्थिति हो जाती, कमी कोई नहीं है अपने पास, वैभव है, ऋणाढ्य सब कुछ है, लेकिन वो भी इस पर भी अपना स्वामित्व बना करके बैठ जाते हैं, छोड़ नहीं पाते। ये कहलाती है तृष्णा। तृष्णा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो ये सुखी हो जाते हैं? नहीं, जो अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लेते हैं वही जीवन में सुखी होते हैं। जो जितना त्याग करता चला जाता है उतना ही सुखी माना जाता है। देखने में आता है कि इनके पास कुछ नहीं है तो बहुत दुखी है, लो ये ले लो वो ले लो, कहते हैं नहीं मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, एक चीज भी अगर आ गई तो ये तो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए अपनी इच्छाओं पर तिलांजलि दो, जितना हो सके इनको परिमाण करो और अपने कर्म को आगे बढ़ाओ। इस काल पूजा को भी आप लोग समझो, ये पर्वों के दिनों का महत्व समझो, इन अष्टानिक पर्वों का महत्व समझो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि इसका फल विशेष होता है, इसलिए इनको खाली मत जाने दो। अष्टानिक जैसे ही आते हैं अष्टानिक को छोड़ो नहीं, इसमें विशेष पूजा आराधना करो। एक सिद्ध चक्र सामान्य दिनों में होता है और एक विशेष दिनों में होता है, इसका फल मिलता है, लेकिन इसके फल की अपेक्षा से अगर उसमें किया जाए तो बहुत। चूंकि हमेशा हमेशा अष्टानिक में महाराज लोग नहीं मिल पाते, भैया लोग विधान कराने वाले नहीं मिल पाते, तो भैया अलग से ही करा लो। ऐसा नहीं कि अब कराने ही कराएंगे तो अष्टान का भी कराएंगे और पता चला कि सब अष्टानिक निकल गए, एक विधान ही नहीं करा पाए, तो ऐसा भी नहीं। अगर मौका मिल जाए तो अष्टानिक को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गुरुत क्रम से बढ़ता हुआ फल मिलता है। इन व्रतों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये व्रत अपने आप में बहुत जल्दी संसार से बाहर कराने वाले होते हैं। इन पूजा को महत्व को समझो। नाम पूजा तो भगवान का नाम जो हम जपते हैं वह नाम पूजा हो जाती है। स्थापना ये कहलाती है कि स्थापना करके, जिनेंद्र भगवान की स्थापना आदि करके जो हम पूजा करते हैं उनको स्थापना पूजा करते हैं। और द्रव्य पूजा तो आप करते ही हैं, अच्छी अच्छी आठ प्रकार की द्रव्यों के साथ ये पूजा, और भी जो भी सामग्री है सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आती है। आप अपने शरीर को भी पूजा में लगाते हैं तो ये भी एक द्रव्य पूजा है। अब बचनों के द्वारा आप जो भी कर रहे हैं ये सब द्रव्य पूजा है, जितनी भी सामग्री है ये सब द्रव्य पूजा के अंदर है। क्षेत्र भी एक पूजा होती है, यानी क्षेत्रों पर जाकर के जहां जहां पंच कल्याणक भगवान के हुए हैं ऐसे द्रव्य ऐसे क्षेत्र भी पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। और भावों के साथ करता है वह भाव पूजा के अंतर्गत आ जाता है। अथवा भाव पूजा तो मुख्य रूप से विधान रूप से मुनिराज ही करते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। भगवंत तो आपके सामने बैठे हैं, अलग अलग मारने बनाए हैं, कुछ मारनों पर आपको यंत्र भी दिखाई, भगवंत है, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, ये सभी जैन धर्म में है। तंत्र किसे कहते हैं? तो अभी महाराज जी ने नाम लिया था समाधि तंत्र, जिसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का वर्णन मिलता है। ऐसे जो ग्रंथ ही अपने आप में तंत्र कहलाते हैं, जो हमारी आत्मा को पवित्र करके और सिद्धों तक पहुंचा देते हैं। मंत्र मंत्र तो आप जानते ही हैं, जो पंच परमेष्टी के अक्षरों से बना हुआ होता है और जिसमें ऐसे ही अनंत अर्थों को गर्भित करके वह बीजाक्षर रहते हैं, वो मंत्र होते हैं। और साथ साथ में यंत्र भी होता है। यंत्र में क्या होता है? किसी ने आचार्य भगवत से पूछा कि घर में यंत्र रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। यंत्रों का भी बहुत प्रचलन है,
और पूछ लिया जैसे घर में यंत्र रख सकते हैं कि नहीं। तो आचार्य भुवन कहते हैं भैया यंत्र रखो अथवा ना रखो, लेकिन अपने मन में अणुकार मंत्र जरूर रखो, तुम्हारा कल्याण होता है। लेकिन जब सिद्ध चक्र की बात आती है तो यहाँ पर सिद्धों के साथ साथ पंच परमेष्टि की प्रतिमाएं या इसके अलावा भी ऐसा कहा गया है कि मारने पर यंत्र रख करके उसकी आराधना की जाती है। इसमें यंत्र का बहुत महत्व होता है। कौन सा यंत्र होता है? ये सिद्ध यंत्र या विनायक यंत्र भी शायद कहते हैं, एक ही नाम है इसका। सिद्ध यंत्र, सिद्ध यंत्र होता है वो सिद्ध यंत्र को रख करके, या ऐसी विनायक यंत्र में भी गर्भित हो जाता है। इसमें नमोकार मंत्र होता है, सुनो, नमोकार मंत्र होता है, चत्तारी दंडक होता है, ओम होता है, और यह अनाहत विद्या से विष्टित होता है, हीम क्रोम आदि से वह रक्षित होकर के ये मंत्र बनता है। इसमें सब कुछ आ जाता है और इसकी आराधना इस सिद्ध चक्र में की जाती है, इसकी पूजा भी की जाती है। शुरुआत में आप लोगों ने पूजा की होगी, पूजा भी यंत्र की होती है, और इसी को रख करके इसका अभिषेक भी किया जाता है। श्री जी के साथ साथ इसको भी रखा जाता है, अथवा इसका चाहे तो अलग से भी इसका अभिषेक। ऐसा कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान का मूर्ति का अभिषेक महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन यंत्र के ऊपर वह भी धारा छोड़ सकती है। यंत्र के लिए उनके लिए निषेध नहीं, यंत्र अपने पास रख करके उस पर भी वह धारा छोड़ सकती है, लेकिन मूर्ति आदि के लिए तो उनकी मर्यादाएं आदि अधिक होती है। तो यंत्र मंत्र तंत्र ये सभी हमारे यहाँ कार्यकारी बताए गए हैं, लेकिन हो आगमिक, आगम के अनुसार हो, देव शास्त्र गुरु ही उसमें सन्निहित हो, और भी अन्य देवी देवाओं जो होते हैं शराबी आदि उनकी आराधना उनमें ना हो, तो बहुत ही फलदायी होती है। ऐसा कहा गया है कि जिसको जन्म के समय नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए, कहते उसका जीवन पूरा का पूरा धन्य हो जाता है, मंगलमय होता है। जन्म के समय कौन सुनाएगा? जन्म के समय, जन्म के समय तो रोना धोना होता है, चिल्लाना होता है, कष्ट होता है। भगवान का नाम कौन लेता है? दुर्लभ है जो भगवान का नाम उस समय नमोकार मंत्र को स्मरण कर ले, या कहीं से इस प्रकार की ध्वनि सुनने में आ जाए। आजकल नहीं होता, आजकल तो जन्म जो होता है हॉस्पिटल में होता है, वहां पर इन सब चीजों को कहते हैं। हॉस्पिटल में तो दशा ऐसी हो जाती है कि जन्म के समय क्या, मरण के समय भी कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिल पाता। आईसीयू में भर्ती करा दो, अंदर कोई जा नहीं सकता, बस आपका अगर स्मरण है तो ठीक, नहीं तो कोई। जन्म के समय ऐसा हो जाए तो पूरा जीवन धन्य हो जाता है, और मरण के समय अगर नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए तो प्रभाव सफल हो जाता है। एक पापाचारी कुत्ते को भी नमोकार मंत्र सुनाया, जो जीवन भर पाप में ही आचरण करने वाला था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया और अंत समय में उसने आयु बंद किया, यक्षों का इंद्र हो गया, सामान्य देवता नहीं बना, यक्षों का इंद्र यानी स्वामी बन गया। ऐसे जब राजा को पता चला तो राजा कहता है कौन है वो सज्जन, और रानी के पास इस प्रकार से जब रानी के पास से राजा के पास खबर पहुंची, इन सज्जन के माध्यम से मुझे ये सब कुछ प्रदान हुआ है, मेरा एक कष्ट दूर हुआ है, और साथ साथ में इस पुत्र का नाम हुआ है, इस सज्जन को राजन आधा राज्य दे दिया जाए। कितना राज्य? आधा राज्य दे दिया जाए। कीमत जैसे ही उसके पास पहुंचा, पहुंची बात, एक व्यक्ति गया कि राजा ने आपके लिए आधा राज्य दिया है, बहुत प्रसन्न है,
राजा ने अन्य लोगों के लिए तो बहुत दान दिया, लेकिन इनके लिए कहा तुम्हारे लिए आधा राज स्वीकार है, तुम्हारी आज्ञा है तो राजा के पास आप चलिए। बस जैसे ही शेर जी ने सुना आधा राज्य मिला, शेर जी तो सनकी थे ही, सनक गए, ये क्या मुझे आधा राज्य क्यों दिया? जब महाराज हमारे लिए आधा राज्य दे रहे हैं तो पूरा राज्य क्यों नहीं दे सकते? आधा राज्य में क्यों दूं? आधे राज्य में बहुत गड़बड़ी होती है, वाद विवाद होते हैं, मेरा तेरा होता है, दुनिया का सब होता है। एक राज्य के दो स्वामी हो जाए तो देख लो, एक घर के दो मुखिया हो जाए तो देख लो, बहुत विवाद होते हैं, शांति नहीं मिलती। महाराज ने क्या किया मेरे साथ, मुझे ये कीमत क्यों दी, आधी क्यों दी? देना था तो कोई मुझे आधा नहीं चाहिए, अभी रुक जाओ मैं धर्मराज के पास जाऊं। और कहता है अभी आ रहे हैं महाराज के पास जाते हैं, और महाराज से कहते हैं महाराज आपने ये आधा राज्य क्यों लिखा? महाराज कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं लिखा, मैंने तो नमोकार मंत्र मिला है लिखा था, लेकिन इसको आधा राज्य मिल गया उनकी कृपा से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, ब्रह्मचारी अमित भैया, श्री आशीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन। फर्म महावीर घृत भंडार, मोदी घृत भंडार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।